हेलो फ्रेंड्स, आप अच्छे होंगे और आज हम बात करेंगे डेंड्रफ के बारे में। और डेंड्रफ का एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर, आई हैव द एक्सेसिव डेंड्रफ एंड कैन इट कॉज हेयर लॉस और नॉट। और कभी कभी ये होता है कि सीधा ब्लैंक होता है कि डॉक्टर, आई एम नाउ 26 और 27 ईयर्स और पिछले 2-3 साल से मुझे बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो रहा है और उसकी वजह से देखिए सारा हेयर लॉस हो चुका है मेरा। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास में, तो उसको आज हम क्लियर करते हैं कि डेंड्रफ कितना हेयर लॉस कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेंड्रफ होता क्या है और दूसरी बात है कि और स्किन के कितने लेयर तक आपका हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि आपका हेयर का रूट्स कहाँ पर है और क्या कैसे इसको अफेक्ट कर सकता है, राइट। तो देखिए, डेंड्रफ बेसिकली एक तरह का एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर आपका ऑयल होता है और आपका जो स्किन का जो अपर लेयर होता है उसका कुछ कॉम्बिनेशन होता है। ओब्वियसली डर्ट का पार्ट भी होता है या फिर एक्सेसिव हम ऊपर से जो ऑयल लगाते हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है। ओके, और ये मोस्ट ऑफ टाइम आपके स्किन के अपर लेयर तक ही होता है। वाई? बिकॉज डीप लेयर तक तो आपका डेंड्रफ ऐसे हो नहीं पाएगा, बिकॉज जो कॉम्बिनेशन होता है डेंड्रफ वाला पार्ट सिर्फ अपर लेयर से मिलकर ही बना होता है। ओके, तो सर्टेन लेवल तक ही आपका डेंड्रफ होता है। और हम बात करें हेयर रूट्स की, बात करें तो हेयर रूट्स कह सकते हैं कि आपकी स्किन की जो डीप लेयर है वहाँ तक होती है आपके हेयर रूट्स। ओके, ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं इसमें आप देख पा रहे हैं कि डेंड्रफ का पार्ट सिर्फ कह सकते हैं यहाँ से 1 से 2 लेयर तक ही हो पाएगा। जबकि अगर हम बात करें कि आपका जो रूट्स की बात करें तो रूट्स आप देख पा रहे हो कि जो फैट लेयर है उसको हल्का सा टच करते हुए आपके हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं कि डेंड्रफ हमारे स्किन को या फिर हेयर को कैसे डैमेज कर सकता है, क्या पॉसिबल है कि डैमेज करना। देखिए, डेंड्रफ जैसे मैंने बताया कि मोस्टली पास कुछ फंगस का पार्ट होता है, तो ये फंगस है वो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा डेड स्किन को ही ग्रो करती है, के ऊपर ही ग्रो करती है, लाइव स्किन के ऊपर ग्रो नहीं करती है। पहली बात तो कह सकते हैं कि इसका जो फंगस का जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी बात है कि आप कह सकते हैं कि आपका जो डेंड्रफ है वो हेयर शाफ्ट के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो हेयर शाफ्ट बेसिकली एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है और इसके ऊपर काफ़ी अच्छी क्यूटिकल होती है, तो उसको भी ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा आपके लिए। ओके, और तीसरी बात करते हैं कि क्या कितना पेनिट्रेशन हो सकता है। देखिए, एक हल्का सा एक एरिया होता है जो कि आपके जो हेयर होता है उसके पास में होता है, क्योंकि हमारा जो ऑयल ग्लैंड होता है वो ऑयल ग्लैंड भी हमारे हेयर के जो पास में जो रूट होती है उसके आसपास ही ओपन होती है। तो कभी कभी क्या होता है, फंगस उस कह सकते हैं केनाल के थ्रू हल्का सा आपका डेप्थ जा सकता है, सर्टेन डेप्थ तक। ओके, लेकिन उससे नीचे नहीं जा सकता आपके लिए। ये कह सकते हैं कि आपका जो इनर पार्ट है आपका हेयर का उसके मिड तक जा सकता है, उससे नीचे नहीं जा सकता। मीन्स किसी भी स्टेज में आपका हेयर जो डेंड्रफ होता है हेयर के रूट्स तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगा। सो कहने का मतलब है आपका जो डेंड्रफ है वो हेयर रूट्स को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो आपने देखा कि वो रूट्स को तो ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा, तो आपका हेयर किस तरह डैमेज हो सकता है। देखिए, अगर हम बार बार अगर आपको स्क्रैचिंग करते हैं डेंड्रफ की वजह से हल्का सा स्किन इरिटेट हो सकता है, तो उसकी वजह से अगर हम स्क्रैचिंग ज़्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में उस एरिया के ऊपर हल्का सा डैमेज हो सकता है। और अगर हम बार बार कह सकते हैं कि अगर स्क्रैच करेंगे तो उस एरिया में हल्का सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आपके हेयर के रूट तक जा सकता है और आपके हेयर के रूट को डैमेज कर सकता है, आपके हेयर को डैमेज कर सकता है। तो वो एक एक्सट्रीम स्टेज होती है जहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका जो हेयर रूट है वो डैमेज हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से, जो कि स्टार्ट हुआ था आपका डेंड्रफ की वजह से, राइट। तो इस तरह से कह सकते हैं डैमेज कर सकता है, लेकिन वो जो पोर्शन होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही मिनिमल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेंड्रफ है वो हेयर लॉस नहीं करेगा, नो नीड टू वरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, डेंड्रफ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेंड्रफ एक लास्ट स्टेज के अंदर आपका हेयर लॉस थोड़ा बहुत कर सकता है। और दूसरी बात है कि आपके स्किन को इरीटेट कर सकता है, आपके स्कैल्प की जो हेल्थ होती है उसको ख़राब कर सकता है, तो डेंड्रफ को क्लियर करना ज़रूरी है। लेकिन ये कहना कि डेंड्रफ की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, राइट। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी आज। सो अगर किसी को ये ज़्यादा डाउट है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, राइट। थैंक यू सो मच।